अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक, हम सेक्युलरवादी नहीं है। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब, कलमाड़ी साहेब काय मरता मला ऐकू नहीं होते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम सदन में दो रह गए थे, पहली बार चुने गए तब चार थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आज इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं, लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है, और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी का मामला है,